हाय। आ गए पाजी, फाइनली पाजी। बड़ी कैंट लुक है थोड़ी, पैरी पहने पाजी। पहला तो सब तो पहला चरण स्पर्श तुहानू। थैंक यू। हाउ आर यू? वेरी गुड पाजी। पाजी बड़ी कैंट लुक दिती है तुसी एकदम। आई डोंट नो, आई कैन, आई डोंट नो इफ यू कैन सी मी। आई कैन पाजी, एवरीबडी कैन सी यू। ओके, ऑलराइट पाजी। न्यू लुक, फैंटास्टिक लुक ये, बट व्हाई दिस लुक चेंज? कहां से आपने सोच लिया एकदम? कुछ नहीं, बैठे हुए थे घर पे और डॉटर को बोला कि बाल काट दे, काट रही थी तो मैंने कहा बिल्कुल ही काट दे यार, चलो लेट्स चेंज। बहुत सालों से सोच रहा था और मैंने कहा चलो कर देते हैं। न्यू लुक बट अच्छी लुक है पाजी। और वो आपके ही, मेरे ख्याल मैंने इंस्टाग्राम पे या कहीं देखा था विविन रिचर्ड का, वो इज माय हीरो, सो आई थॉट व्हाई नॉट, चलो अपने हीरो को फॉलो करो। आई लव धोनी आल्सो, ही इज आल्सो माय हीरो, सो उसको भी आफ्टर द वर्ल्ड कप देखा बाल काटे हुए, तो मैंने कहा चलो एक दिन मैं भी करूंगा, अभी मौका मिला तो कर दिया। वेरी गुड पाजी। और पाजी ये डॉटर ने काटे हैं, पर उन्होंने अच्छे काटे हैं, क्योंकि आमतौर पे बच्चों को काटने के लोगों को थोड़े इधर से ज्यादा, थोड़े इधर से कम, बट आपने तो कहा कि पूरा ही खेत साफ कर दे। हाँ किया, फिर आगे से शेव यहां तक मैंने की, उसके बाद पीछे उन्होंने कर दी। बट आपके पाजी बालों की वैसे जो स्टाइल था वो बिल्कुल देवानंद साहब की तरह था वैसे। क्या बात कर रहे हो। नहीं भाई साहब, मैं आपको बताऊं, सुरेश रायना उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है आपसे ये सवाल करने के लिए कि हमेशा जो आपके बारे में कहते थे कि कपिल पाजी का जवाब नहीं, तो कहते वाकई इस नई लुक के बाद कपिल पाजी का जवाब नहीं। ये सुरेश रायना ने, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था आप तक कन्वे करने के लिए। उनको बोलो थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं आपके माध्यम से वांट टू से टू सचिन तेंदुलकर आल्सो हैप्पी बर्थडे। उनका जन्मदिन है, यंग मैन, 47 आई थिंक, व्हाट अ क्रिकेटर। सो आई जस्ट वांट टू विश हिम थ्रू योर दिस सिस्टम। नहीं नहीं पाजी, उनको भी बहुत अच्छा लगा। आपने तो उनसे बात की होगी आज, आई एम श्योर आपने अपनी। नहीं, मैंने मैसेज कर दिया था, क्योंकि आज के दिन शायद वो बहुत ही बिजी होंगे, इतने लोग उनसे बात करना चाह रहे होंगे, तो हमने तो अपनी तरफ से मैसेज कर दिया था उनको। और आपने तो पाजी इतने से उनको देखा है, जब वो इंडियन टीम के नेट्स में आए, फिर पाकिस्तान गए, तो बच्चे की तरह आपने देखा उनको। हाँ, डेब्यू हमारे साथ किया और बड़ा अच्छा लगा था जब उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन कहां से कहां तक पहुंचे हमें ऐसा यकीन नहीं था, लेकिन व्हाट अ फैबुलस क्रिकेटर। सही बात है पाजी। लॉकडाउन कैसे चल रहा है आपका? तकरीबन एक महीने से आप भी घर पे बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपने कभी एक महीना इस तरह घर पे टाइम बिताया होगा। मैंने क्या, किसी ने भी नहीं बिताया होगा ऐसा, लेकिन अच्छा लग रहा है। शुरू में थोड़े से दिन थे लिटिल डिफरेंट एंड थोड़ा सा अनईजी लग रहा था, लेकिन पिछले 15-18 दिन से तो बड़ा आराम से पता है क्या करना है, सुबह ये करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है। सो आई थिंक ह्यूमन माइंड इतना स्ट्रांग है कि वो अडेप्ट कर लेता है। भाजी आप कह रहे हैं सुबह ये करना है, दोपहर ये करना है, शाम ये करना है, लोग ये भी तो जानना चाहते हैं कि वो सुबह दोपहर शाम क्या क्या करते हैं आप? सुबह उठ के चाय कॉफी पीते हैं, जितना भी 9:30-10 बज जाते हैं, फिर मेरा गार्डन है छोटा सा, वहां पर थोड़ी से पानी पुनी देता हूँ, और एक नेट बनाया गोल्फ के लिए, वहां पर हिटे मारता हूँ मैं। जितना भी स्वेट आउट करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाती है। 100 गेंदे मारने के बाद फिर आराम से जहाँ पर अब बैठा हूँ, एक और चाय हो जाती है यहाँ पर बैठकर, इसी बीच में नाश्ता भी हो जाता है और थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है, पौधों को पानी देते देते 1 बज जाता है। 1 बजे हम सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि मेरी डॉटर है वो थोड़ी सी लेट उठती है, तो वो हम इकट्ठे 1 बजे टेबल पे खाना खाते हैं। 1 से 1.5 बज जाता है, उठते हैं, थोड़ा सा 1 घंटा बातें होती है, फिर हम तीनों बैठ के फिर वॉक करना शुरू कर देता हूँ 2:30-3 बजे के करीब से लेके 5 बजे तक वॉक हो जाती है। फिर अगर थोड़ी सी थकावट अभी भी कम हुई तो थोड़ी सी और जाके गोल्फ की हिटे मार लेते हैं। 6:30 बज जाते हैं, बस 6:30 जाके फिर नहाने धोने की तैयारी हो जाती है।
भाजी आपने वो चीज नहीं बताई जो आपने एक दिन मुझे फोन पे बताई थी कि वो थोड़ी एक आपने सफाई भी करनी शुरू कर दी है। अरे बहुत सारी, हर दिन। आज मेरा जो आज का दिन था वो ऐसा था कि सारे जूते निकाल के उनको पॉलिश कर रहा था, साफ कर रहा था। कभी कभी कपड़ों को साफ करना है, तो जो घर पे बैठे हो अगर आप काम कर सकते हो तो क्यों नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि 30 दिन में बाहर नहीं निकला। सिर्फ एक बार गया था हॉस्पिटल। जी भाजी, भाजी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी भाजी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाजी। फिर एक दिन बाहर निकला था, मेरा डॉग था वो नॉट फीलिंग वेल, तो उनको मैं हॉस्पिटल लेके गया था। एक ही दिन निकला था, नहीं तो गेट से भी बाहर नहीं। हाँ, 2-3 बार अपने गेट पे गया हूँ, सुंदरनगर के गेट पे। वहां पर कभी कोई सामान आता है जो आप ऑर्डर देते हो तो वो अंदर सुंदरनगर में आने नहीं देते, तो बाहर पार्क कर देते हैं। तो वहां से फिर हमें खुद जाकर वॉक करके या गाड़ी पर जाकर वहां से सामान लाना पड़ता है, कुछ भी आप ऑर्डर करते हो तो। वरना मैं घर से नहीं निकला। और मैं कहता हूं कि अगर हमने कोई पॉलिसी बनाई है उसके आधार पर आपको फॉलो करना चाहिए। कोशिश यही है कि इतनी उम्र घूमे हैं, अगर 1 महीना घर बैठना पड़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, और बाकी आपने बिल्कुल सही कहा पाजी। आपने कुछ दिन पहले मुझे कहा भी था कि अगर घर पे बैठने से केसेस कम होंगे, जिसका असर शायद दिख भी रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को ही फायदा होगा। वो तो देखो जो ज्ञानी लोग हैं वो जानते होंगे, लेकिन अगर कोई पॉलिसी बनी है तो उस पॉलिसी को फॉलो करना एक सिटीजन का काम है। और हम कोशिश करते हैं कि आई लाइक टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ माय कंट्री। पाजी, भज्जू पाजी का सवाल है, हरभजन सिंह द टर्बनेटर, वो कह रहे हैं कि पाजी आजकल आप घर पे बैठे रहते हैं तो जो आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग है बाहर, उनका क्या होगा? उनका सवाल है वही, उसको कह सरदार बस्कर, फीमेल फैन फॉलोइंग, बोल वो तुम्हारे लिए, तुम हीरो बन गए हो, तुम फिल्में कर रहे हो और तुम्हारे घर में बैठे हुए हैं ना। हाँ भाई, उनको उनको ये बताना चाहिए कि वो क्या करते हैं। मेरे लिए मेरी फैमिली है, सब ठीक है, आराम है। हमारा वो समय था, जो वक्त था वो निकल चुका है। ये शायद हरभजन का वक्त है, तो उनको बताना चाहिए वो क्या अपनी फीमेल फैंस के बारे में करते होंगे इस समय। तो पाजी पुराने मैचेस वगैरह आप देख रहे हैं या कोई वेब सीरीज या मूवीज देख रहे हैं आप? नहीं, मैं क्रिकेट नहीं देखना चाहता। आई थिंक आई वॉन्ट टू मूव ऑन। मैं घूम के पीछे ज्यादा देखता नहीं हूँ, मैचेस भी नहीं देखता, फोटोग्राफ्स भी नहीं देखता। कभी कभी आप यूट्यूब में कोई मैचेस आ जाते हैं, थोड़ा सा एक आधा कैच देख लेता हूँ, लेकिन कोशिश यही होती है कि नहीं, जो वक्त निकल गया उसको छोड़ो, आगे का सोचो, अब का सोचो। अच्छा पाजी, कई सारे सवाल आ रहे हैं। गगन है हमारे, गगन टुकराल, वो कह रहे हैं कि पाजी जब आप वर्ल्ड कप जीते थे, पहली बार वर्ल्ड कप पे आपने हाथ रखा था, तो उस वक्त आपके माइंड में, शरीर में क्या हुआ था? आई थिंक बहुत नादान थे या कुछ पता नहीं है क्या हुआ, लेकिन अंदर में इतनी खुशी होने के बाद आपको कुछ उसके बारे में एहसास भी नहीं होता और याद भी नहीं होता। शायद हर एक क्रिकेटर जो होता है वो खेलता इसीलिए कि अगर हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, हम जीत के लाएंगे। और जब जीत जाते हैं तो उस खुशी को बयान करना बहुत ही मुश्किल है। हम बहुत खुश थे, लेकिन कोई ऐसा वाकया नहीं याद कि हमें प्लान किया हो कि क्या होगा। हम तो फाइनल तक आना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और उसके बाद जीतने के बाद शायद मुझे नहीं याद कि हमें कोई प्लानिंग थी। बस सारी शाम जश्न चल रहा था, ऐश हो रही थी, मजे कर रहे थे, लेकिन वो चेहरे पे नजर आता है जब आप जीतते हो, तो शायद कई बार कहने की जरूरत नहीं होती, आपका चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। और पाजी आपकी मूवी भी तो आनी थी, वो भी अब डिले हो गई है, 83 द फिल्म, हालांकि उसमें बहुत सारी इमोशंस हमें दोबारा जीने को मिल जाती, वो भी तो पोस्टपोन हो गई अब।
विक्रांत मैं आपको फिर एक बार कह दूं कि वो मेरी मूवी नहीं, वो हमारी मूवी है, वो टीम 83। देखिए नहीं, क्योंकि मैं एक टीम का सदस्य हूं और उस नाते मैं ऑलवेज ये कहता हूं कि वो टीम मूवी मेरे पे नहीं है, वो 83 टीम के ऊपर है। क्योंकि वो जब आपने 83 का नाम दिया तो फिर ऐसा है कि सबका उतना ही रोल था जितना मेरा था। हाँ, बीइंग ए कैप्टन आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट, लेकिन ये 83 टीम जो मूवी बनी है या बन चुकी है या थोड़ी सी अभी बाकी रह गई है, वो एक प्लॉट है और हम भी इंतजार कर रहे हैं कब वो बाहर आएगी। याशिका गुप्ता आपसे पूछ रही है कि मूवी अगर थोड़ी सी रह गई है तो आपने ये न्यू लुक कोई रोल के लिए तो नहीं किया कि पता चला आपकी अपीयरेंस भी एक नए अंदाज में? नहीं नहीं, देखो मेरी माँ ने कहा था बेटा तू सिर्फ खेलना और कोई उल्टे सीधे काम नहीं करना, तो मैं कभी मूवी में मैं भज्जी नहीं हूँ, मेरे में इतना टैलेंट नहीं है कि मैं वो कर सकूं। नहीं, भज्जी में तो टैलेंट है, उनमें तो टैलेंट है। उन्होंने कहा है कि ये फैंस हिंदी करें, मैं तमिल और इसमें तेलुगु में खुश हूँ। नहीं, वो कर ही रहे तो चाहे कुछ भी हो, वो तो इसकी मूवी जरूर देखूंगा, एक बार नहीं बहुत बार देखूंगा। भाजी सेंसिटिव होगा अगर हम इस वक्त बात करें, ऑब्वियसली कोरोना वायरस पूरी दुनिया में है, कब उससे निजात मिलेगी नोबडी नोज, लेकिन खेल भी रुका हुआ है, पूरी दुनिया का खेल रुका है। क्या वाजिब है इस बात की का जिक्र करना कि क्या आज से 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद क्रिकेट का खेल फिर से शुरू हो? क्या IPL हमें देखने को मिल सकता है, वर्ल्ड T20 देखने को मिल सकता है? विक्रांत जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो आप बात कर रहे हैं क्रिकेट की, लेकिन मैं शायद इस जगह पर पहुंच गया हूं तो मैं लार्जर पिक्चर देखता हूं। क्या आप सोचते हैं क्रिकेट इस सबसे आखिरी बात कर सकते हैं? मुझे तो आज स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए मुझे ज्यादा अफसोस है कि जो स्कूल नहीं जा सके, कि वो एक ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है क्रिकेट या खेल या किसी चीज से भी ज्यादा, क्योंकि वहां से ही आपके नई जनरेशन आती है। तो मैं आज बिल्कुल क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी की बात नहीं करूंगा, मैं उन बच्चों के बारे में कहूंगा जो स्कूल में जाके वो जो मजा लेते हैं, जो उनकी ग्रोथ होती है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं ये चाहूंगा कि स्कूल पहले खुलने चाहिए, क्रिकेट हो जाएगी, फुटबॉल होगी, लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचो जो स्कूल नहीं जा पा रहे और अगले 3 महीने नहीं जाएंगे तो उनका क्या होगा? भाजी 3 महीने क्या, 6 महीने भी हो सकते हैं, पूरा साल भी हो सकता है। हालांकि ये जो आजकल नई चीजें हैं, ऑनलाइन क्लासेस घर से हैं, लेकिन हर गरीब आदमी के घर में कंप्यूटर नहीं होगा, हर गरीब आदमी के घर में जूम क्लासेस नहीं होंगी कि बच्चे ने कंप्यूटर के आगे ऑन किया और सारा साल निकाल दिया, ये तो फैक्ट है। वो देखिए, वो कंप्यूटर के ऊपर जैसे हम आप बात कर रहे हैं तो ये तो कोई लाइफ नहीं है, वो जाके स्कूल में आप जो खेलना, बच्चों के साथ ग्रोथ होती है एक दूसरे से मिलकर, जो वो जब तक नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक साल निकल जाए? एक साल निकलना मीनिंग आप 10 साल पीछे चले जाते हो एजुकेशन में। तो मैं यही चाहूंगा कि खेल से ज्यादा उन बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, और ग्रोथ टीवी स्क्रीन पे नहीं होती, ग्रोथ होती है जब जब आप स्टूडेंट इकट्ठे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उससे बड़ी ग्रोथ कुछ नहीं हो सकती। अजय, आपको लगता है कि क्या वो वक्त आ सकता है व्हेन वी गो बैक टू नॉर्मलसी? देखो अभी तो समय लगेगा, शायद ये मोबाइल आपके पास नहीं होता तो थोड़ा जल्दी आ जाते, क्योंकि मोबाइल से आप डर भी ज्यादा बैठा देते हैं, इंफॉर्मेशन भी ज्यादा है, और जब इंसान के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है तो वो कभी कभी डर भी जाता है और कभी कभी उससे फायदा भी होता है। तो ये नहीं जानता कि इसका फायदा है या नुकसान है, लेकिन इस समय ये है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या हम नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं जल्दी से जल्दी, उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। पाजी शोएब अख्तर ने, उन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया था कि इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलें, जो आपने रिजेक्ट कर दिया था, आपने कहा था कि अभी उसकी जरूरत नहीं है। देखिए फिर वही बात मैं कहूंगा कि वो मैचेस से ज्यादा बच्चों को स्कूल भेजो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, इमोशनल होके आप कह सकते हो कि हाँ मैच होना चाहिए, मैचेस बहुत
शायद इतनी जल्दी जरूरत नहीं है। अगर आपको पैसे की कमी है तो ये जो बॉर्डर पे है उसकी एक्टिविटीज खत्म होनी चाहिए, वो जो पैसा बच जाता है उसके लिए हॉस्पिटल बना सकते हो, स्कूल बना सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। पिछले भी एक बार मैंने चर्चा की थी, अगर पैसे की जरूरत है तो हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके पास इतना पैसा है, वो उनको आगे आना चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज। क्योंकि हम सब लोग जाते हैं अपने गॉड को वर्शिप करते हैं, पैसा वहां जाता है, वो पैसा कहाँ जाता है? तो मेरी तो आज एक ही है कि ये जितनी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ये देश शुड कम फॉरवर्ड, उनको आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हेल्प करनी चाहिए अपने गवर्नमेंट की। ये नहीं कि मैच करके अगर आप पैसे इकट्ठे कर लोगे, इतने तो एक झटके में क्रिकेट बोर्ड ही दे सकता है। हमारा बोर्ड काफी रिच है और उनको देते हुए कोई तकलीफ नहीं होगी जब समय आएगा। उन्होंने दिया भी है। अच्छा पाजी, आपका जहां पर घर है, बड़ी एक्सक्लूसिव सी आपकी ये लोकैलिटी है, इसके पीछे जू है, और अब जब इस वक्त आप बात कर रहे हैं, शायद आप घर के बाहर हैं, चिड़िया वगैरह जो उनकी आवाजें भी आ रही हैं, एक बहुत ज्यादा नेचर के लिए थोड़ा सा बेहतर हुआ है। लेकिन देखिए, जब पॉजिटिव सोचते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि नेचर के लिए क्या लाइफ चेंज होगी। चंडीगढ़ में लेपर्ड घरों में आ गया, घरों में। और हाँ, देखिए ये मैंने उस दिन गार्डन में, यहाँ काफी समय आपने बताता हूँ, अभी तो मौसम ठीक है, यहाँ पर ऐसी ऐसी बर्ड्स देखी जो चंडीगढ़ में देखा करता था, वो रंग बिरंगी बर्ड्स आती है 40 साल। तो वो देखिए कुदरत है, अगर आज हम जेल में हैं, हम पिंजरे में हैं और पक्षी और जानवर बाहर खुला मैदान में हैं, तो ये उनका समय है। और मुंबई में देखा कि इतनी बर्ड्स आ गई पानी में कि यकीन भी नहीं हुआ, डॉल्फिन तक आ गया। तो ये नेचर है कि अगर हम उनका स्पेस लेंगे, अगर आज आज हमने उनको जगह दी है उनकी, तो वो देखिए कहाँ से कहाँ तक आ गए, कितना अच्छा नजारा देखने को है। सही बात है। और पाजी ये भी है कि दुनिया भी एक कोरोना वायरस, एक वैक्सीन, उस सब के पीछे इकट्ठी हुई हुई है। आसिफ तनवीर भाई हैं, वो आपको जानते हैं और उनके पिताजी आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने यॉर्कशायर से आपके लिए वहां से दुआ मांगी है। वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे आपके साथ, आपकी सेहत ठीक रहे। मैं आज इन सब भाइयों के लिए कहना चाहता हूँ, रमजान का महीना है, खुदा इनकी पूरी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी करे। हम तो यही चाहेंगे कि बस प्यार से और हंसी मज़ा। पाजी लोगों के बड़े सारे सवाल तो आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा क्रिकेट के आ रहे हैं। कोई कह रहा है मिस दी आईपीएल, लेकिन पाजी कह रहे हैं कि अभी आप क्रिकेट की बात मत कीजिए, जिंदगी पहले ट्रैक पे आए, उसके बाद क्रिकेट या बाकी खेल या फिल्में जो हैं वो चलती रहेगी। इकोनॉमी को लेके पाजी आप वरिड हैं? देखिए जान है तो फिर इकोनॉमी भी है, अगर आपकी जान नहीं है तो इकोनॉमी ने क्या करना। ये बड़े बड़े पंडित टीवी पे सुना करते हैं या ज्ञान देते हैं कि जीडीपी का क्या होगा, भाई हम तो ये जानते हैं, सादे इंसान हैं, सीधा साधा जानते हैं कि पहले अपने आप को बचाओ, जिंदगी बचाओ, फिर आ जाएगा। ठीक है आज 10 चीजें नहीं है तो 8 हो जाएंगी, लेकिन जिंदगी तो है ना, जो खुदा ने आपको दी है, जो भगवान ने आपको दी है। तो इसलिए हाँ इकोनॉमी खराब होगी, लेकिन ये इकोनॉमी को हम ही ला सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी हम अपने आप को वापस ट्रैक पर लेके आए, मैं मानता हूं कि बहुत मुश्किल समय आया है, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तभी आपके कैरेक्टर का पता चलता है कि कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। अच्छा पाजी कई सवाल आ रहे हैं, याशिका फिर पूछ रही है कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? इसके याशिका के अलावा जी, उनके अलावा उनको बोलो आप ही सबसे अच्छी एक्ट्रेस हो। चलिए आप करंट फेवरेट एक्ट्रेस हैं, और एक्टर पाजी मेरे अलावा? देखिए सभी है, कोई ऐसा नहीं। जब हम बड़े हो रहे थे तो अमिताभ जी, राजकुमार, देवानंद, धर्मेंद्र जी, शशि कपूर जी, ये उस समय बहुत ही बड़ा नाम था जब हम बड़े हो रहे थे। फिर बहुत सारे ऐसे एक्टर आए जो हमारी हम उम्र के थे, अनिल कपूर आया, बहुत सारे आए।
लेकिन मैं ये कहूंगा कि पिछले जो 20-30 साल में हमने टैलेंट देखा है अपने कंट्री में एक्टर्स का, अनबिलीवेबल। और सबसे ज्यादा मैं रिस्पेक्ट या मान दूंगा कि ये डायरेक्टर है जो फिल्म बनाते हैं, उन्होंने कैसी कैसी फिल्में बनाई हैं और पब्लिक ने वो पसंद की है। पहले एक ही तरह की पिक्चर बनती थी, तो इसलिए शायद आई विल रिस्पेक्ट टुडे मोर डायरेक्टर प्रोड्यूसर कि दे आर रेडी टू ओपन अप देयर थॉट प्रोसेस इन मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज व्हिच पीपल आर स्टार्ट एंजॉयिंग इट। पाजी अब ये बताइए कि आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है, मतलब अगर आप कहें कि अपुन का फेवरेट क्रिकेटर, तो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन रहा है, आपका रोल मॉडल, आपका हीरो? देखिए आपके विक्रांत हीरो चेंज होते रहते हैं। हमारे टाइम में तो हम सबसे पहले नाम मेरे लिए एज ए ऑलराउंडर गैरी सोबर हुआ करता था, विवियन रिचर्ड आया, जिनके साथ आप खुद खेलते हो ना तो उनको लगता है कि हाँ ये तो हमारे जैसे हैं, चाहे वो सुनील गावस्कर थे या सचिन थे। तो आपके हीरो चेंज होते रहते हैं। जब मैंने क्रिकेट छोड़ी तो ऐसा लगता था कि कोई ऐसा प्लेयर आ सकता है जो सुनील गावस्कर से भी बेहतर हो या सुनील गावस्कर का मुकाबला कर सके। उन्हीं दिनों राहुल द्राविड़ आए, उनको बड़ा करीब से फॉलो किया। सचिन तेंदुलकर सोच भी नहीं सकता था कि कोई क्रिकेटर ऐसा भी हो सकता है। धोनी आए, युवराज आया, तो आपके हीरो चेंज होते रहते हैं। आजकल अगर मैं किसी को देखता हूं तो मैं एक ही प्लेयर को देखता हूं क्योंकि उसमें टैलेंट है। आप जैसे हीरो की बात करते हैं वो चेंज होते रहते हैं, लाइक के राहुल, मुझे वो बहुत पसंद है, तो उसको बहुत करीब से देखता हूं कि क्या वो अपनी पोटेंशियल पे खेल पाएगा। तो इसलिए आपके हीरो चेंज होते रहते हैं, चाहे वो आई कैन से विवियन रिचर्ड हो, सुनील गावस्कर हो, सचिन हो, धोनी हो, तो चाहे वो भज्जी है, उसको भी बहुत पसंद किया करते थे। अब छोड़ दिया तो आप नए हीरो की तलाश करते हैं। सही बात है, हालांकि भज्जी तो अब हीरो हैं, वो तो साउथ इंडियन। मैंने तो कहा उनको, पाजी एक छोटा सा रोल मुझे दिला दो, कहते हैं विलन का रोल है। मैंने कहा विलन वाली शक्ल तो है मेरी, आप चाहो तो मैं कर सकता हूँ, तो वो स्क्रीन टेस्ट देना है पाजी, उसमें देने की जरूरत है। नहीं, और इतने सालों से आप एक्टिंग कर तो रहे हो टीवी पे, एक्टिंग ही तो कर रहे आपके चेले ना पाजी, चरण स्पर्श आपके हैं, आप जिसे सीखा जो भी सीखा है, वैसे जो ये तो फैक्ट है, ये पब्लिकली मैं सबके सामने हमेशा कहता हूँ। नहीं, हमारे एक साथी जो हमारे साथ क्रिकेट खेला करते थे योगराज सिंह, वो देखो उन्होंने कैसे कितना उनमें टैलेंट है। मूवीज, पंजाबी मूवीज, साउथ इंडियन मूवीज भी अब जा रहे हैं, हिंदी मूवीज भी, तो वो टेस्ट क्रिकेट भी खेले हुए हैं। तो ये है कि टैलेंट है तो आपका उभर कर बाहर आएगा। मुझे तो योग पाजी के वो डायलॉग याद है, वो एकदम वो फिर कहते हैं लगदा गलाबो आई है, इसीलिए लाल कपड़े डाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपके साथ तो बचपन से आप तो एक दूसरे के साथ ही रहे हैं। जी जी, बहुत मेहनती थे, शायद मैं ये कह सकता हूँ आज आपके इस माध्यम पर कि अगर मैंने किसी को अपने से ज्यादा प्रैक्टिस करते देखा है तो सिर्फ वही एक खिलाड़ी था, योगराज सिंह। तो बहुत मेहनती थे, शायद उन्होंने क्रिकेट में इतनी वो नहीं फतेह पाई, लेकिन उनकी जितनी मेहनत तो मैंने शायद जिंदगी में किसी को करते हुए नहीं देखा। पाजी यहाँ पे भी कभी कभी लिखा होता है, शायद उनके यहाँ पे एक टेस्ट लिखा था पाजी के, लेकिन उनके बेटे युवराज के यहाँ पर दो वर्ल्ड कप लिखे हुए थे, ये तकदीर की बात भी है। हाँ तकदीर है, लेकिन मेहनत तो अपने हाथ में है ना, तकदीर तो ठीक है। आप देखिए मेहनत का फल फिर भी मिलता है, वो मेहनत करके एक टेस्ट तो खेल के तो गए हैं, अगर वो एक टेस्ट भी नहीं खेलते तो कितना दुख होता। तो ये है कि आप पॉजिटिव सोचोगे या नेगेटिव सोचोगे, पर मेहनत की बात करते हैं तो बहुत मेहनती थे। पाजी दूसरे कमरे से आवाज आ रही है मिन्ना की कि आप घर दोबारा कब आ रहे हैं चाय पीने के लिए? आप कल खोल दो, मैं कल आ जाऊंगा। मैं तो मौका चाहता हूँ बाहर जाने का, लेकिन जब तक कंट्री का आदेश नहीं होगा और गवर्नमेंट सरकार नहीं खोलेगी तब तक मैं तो नहीं निकलने वाला। कोशिश करूंगा कि बाहर ना निकला जाए।
पाजी आप जाते जाते एक मैसेज अगर सबको देना चाहें, बिकॉज पीपल विल लिसन टू यू इस दौरान। देखिए यही कहूंगा, किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए, ये सोचिए कि हम इस समय अपने देश में कैसे अपने बाकी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। स्टे सेफ, आई थिंक इससे ज्यादा मैसेज और क्या हो सकता है। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, शायद अपने आप को साफ रखिए, कोई ऐसा गलत काम नहीं करो जहां पर आपको अपना, अपने अपने खानदान का या अपने देश का नाम खराब करने का खराब करें। तो इसलिए बस यही चाहूंगा कि घर पे रहो, सुरक्षित रहो। भाजी बहुत सारे लोग हैं, उनका मैं नाम फटाफट, गुरनाम है, पीयूष है, अनिंदो है, वो भी आपको रिगार्ड भेज रहे हैं, आपको प्यार भेज रहे हैं, आपका आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन जाते जाते आपके एक और शिष्य हैं, चेले हैं, दीपक शर्मा जी गुड़गांव वाले, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि पाजी आपके अंदर से ये स्टाइल स्टेटमेंट आती है या फिर वो जानना चाहते हैं क्या, कौन सी स्टाइल स्टेटमेंट नहीं आपके अंदर। दीपक, अपने दीपक पूछ रहे हैं कि आपका स्टाइल स्टेटमेंट नेचुरल है, इनबॉर्न है। पता नहीं, मैंने तो कभी कोशिश, मैं तो कोई एक्टिंग स्कूल पे गया नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा जाके अगर कुछ चेंज कर पाऊं। पाजी थैंक यू वेरी मच। अब आप, मेरे ख्याल आपका नहाने का या इवनिंग टी का टाइम है, मेरा भी टाइम है, सुबह थोड़ा सा झाड़ू रह गया था, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। झाड़ू पोछा भी किया करो, पोछा बीवी से करवाते हो, मेरी छोटी बहन से करवाते हो? नहीं पाजी, मैं झाड़ू भी करता हूँ, पोछा भी करता हूँ, एक दिन छोड़ के करता हूँ, और उसके बाद मुझे भी प्लांट्स को पानी भी देना है। पाजी सुबह से लगा हुआ हूँ आज, मैं भी शायद शाम को, अब तो प्लांट्स को पानी नहीं दूंगा, अब जो मेरे जूते इतने पॉलिश आज किए इनको अंदर रखूंगा। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, और आपके जितने भी चाहने वाले हैं सबको यही कहूंगा कि स्टे से बस यही, दूसरों पे उंगलियां मत उठाइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। थैंक यू वेरी मच पाजी, एंड आपका आशीर्वाद हम सबके साथ इसी तरह से बना रहे, और आपकी लुक इज अमेजिंग। थैंक यू, बाय पाजी, बाय बाय, थैंक यू।